स्पेशल 26 तो आपने देखी होगी, लेकिन शायद ही आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि असल जिंदगी में भी कोई ऐसे कारनामों को अंजाम दे सकता है। मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर एक गिरोह ने कई एक्सपोर्टर्स और बड़े अस्पतालों को जबरदस्त चूना लगाया। इस गिरोह के सरगना को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो किसी नामी संगठन का मुरादाबाद से महामंत्री बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी चिटफंड सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार, इंडियन कंज्यूमर एसोसिएशन समेत तमाम फर्जी विभागीय लेटर हेड और फर्जी स्टैंप भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार जालसाजों में दो मुरादाबाद के बिलारी जबकि एक अमरोहा के गजरौला का रहने वाला है। यह लग्जरी कार फॉर्च्यूनर से चलते थे और लोगों को डरा धमका कर उनसे अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक विशेष संगठन के झंडे लगी कार को कब्जे में लिया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सरगना सतीश चौहान के साथ इसके दो साथी फरीद और राहिल को भी मौके से पकड़ा गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये फर्जी रूप से एक्सपोर्टर्स, हॉस्पिटल्स और बड़े स्कूलों को अपना निशाना बनाकर उनसे अवैध वसूली करते थे। इनके पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।